Hey guys, welcome to Classic Cravings. मैं हूँ नेहा और आज मैं बनाऊंगी गुजिया। अब होली आ गई है तो गुजिया तो हम जरूर बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी से मैंने गुजिया बनाई है, आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स के एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको हमेशा की तरह वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। इसके लिए एक बोल में ले लेंगे मैदा। इसमें मोइन लगाने के लिए डालेंगे ऑयल या घी। दोनों को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्स करके अगर आपका आटा ऐसे बाइंड होने लगा है तो समझ जाइए कि ऑयल सही मात्रा में डाला गया है। थोड़ा थोड़ा हल्का गर्म पानी डालते हुए एक मीडियम टाइट डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए आटा मैंने गूंद के रेडी कर लिया है। अब इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए ढककर साइड में रख देंगे। अब फिलिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और सबसे पहले सूजी भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक रोस्ट करेंगे। सूजी हमारी रोस्ट हो गई है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा घी और क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स। इन्हें मैंने मिक्सी में डाल के दरदरा पीस लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। ड्राई फ्रूट्स भी भुन गए हैं, इन्हें भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब फिर से इसी कढ़ाई में डालेंगे खोया और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी सी देर में ही आपका सख्त खोया एकदम नरम हो जाएगा। ये देखिए खोया भी भुन गया है। अब पूरी फिलिंग एक साथ असेंबल कर लेंगे। एक बड़ा सा बोल ले लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हमारी रोस्टेड सूजी, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और रोस्टेड खोया। बूरा डालेंगे और इलायची पाउडर। बस अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे तो सीधे हाथों से ही मिक्स कर सकते हैं। ये लीजिए हमारी गुजिया की फिलिंग एकदम रेडी है। अब गुजिया भरना शुरू करते हैं। एक बार आटे को फिर से अच्छे से मल लेंगे और पार्टीशन करके इक्वल साइज की लोइयां काट लेंगे। लोई रेडी करके इसकी पूरी बेलना शुरू करेंगे। मोइन की वजह से पूरी बिल्कुल नहीं चिपकेगी और आपको इसमें सूखा आटा भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए पूरी मैंने बेल के रेडी कर ली है। अब इसे स्टफ करेंगे। इसके लिए एक गुजिया का सांचा या मोल्ड ले लेंगे। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है, वो भी कई साइजेस और वैरायटी में। अब बस इस सांचे के ऊपर अपनी पूरी रखेंगे और इसके पूरे बॉर्डर पे पानी से अच्छे से कोटिंग कर देंगे। इससे गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी और फ्राई करते वक्त फटेगी नहीं। अब इसमें डाल देंगे फिलिंग। फिलिंग मीडियम क्वांटिटी में ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इससे गुजिया फटने का डर रहता है, और बहुत कम भी नहीं, इससे गुजिया खाते वक्त एकदम खोखली लगती है। ऐसे ही उंगलियों का यूज़ करके फिलिंग सेट कर देंगे और दोनों साइड्स को जॉइन करके अच्छे से दबा देंगे जिससे गुजिया अच्छे से सेट हो जाए। अब इस बचे हुए आटे को खींच कर अलग कर देंगे और साचा खोलकर गुजिया निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनके तैयार हुई है। आपको एक और गुजिया बना के दिखा देती हूँ। लोई को बेलकर पूरी बना लेंगे। फिर से पूरी को साचे पे रखेंगे, साइड्स में पानी लगाएंगे, फिलिंग डालेंगे और दोनों साइड्स मिलाकर गुजिया सील कर देंगे। बचे हुए आटे को रख लेंगे। इसे लास्ट में फिर से मलकर सेम प्रोसेस से गुजिया बना लेंगे। ऐसे ही सारी गुजिया बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी गुजिया बना ली है और अब फ्राइंग के लिए एकदम तैयार है। बस फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और फ्लेम लो ही रखेंगे। एक एक करके गुजिया तेल में डालेंगे और उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से हल्के गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। गुजिया फ्राई हो गई है तो इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही सारी गुजिया सेक लेंगे। अगर कोई भी गुजिया फ्राई करते वक्त फट जाए और फिलिंग बाहर आने लगे तो तुरंत उस गुजिया को ऑयल से बाहर निकाल लीजिएगा, वरना आपका सारा ऑयल खराब हो जाएगा और बाकी गुजिया में चिपकता जाएगा।
ये लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। देखा ना आपने कितनी आसान रेसिपी थी, गुजिया कितनी अच्छी बनी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।